यहाँ पर हम टच करेंगे, पुश करेंगे, इसको हम इस तरह से एक आकार देंगे गोलाई में, पिकॉक का देंगे यहाँ पर हम, ठीक है। यहाँ पर हम टच करेंगे, पुश करेंगे और ये ऊपर की तरफ आउटलाइन लेके जाएंगे। लोग चाहते हैं जिनका सपना एक प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट बनने का, लेकिन सपना बस किसी कारण पूरा नहीं हो सकता, तो गाइस आप हमारी ट्रेनिंग से जुड़िए और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, आश्वासन दे रहा हूँ, मात्र 3 महीने हमारी ट्रेनिंग को अटेंड करें, आप कहीं भी रहते हो, अगर आपके पैसे नहीं है एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए, तो गाइस हमारी ट्रेनिंग को डे बाई डे अटेंड करें। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ 3 महीने के अंदर आप प्रोफेशनल परफेक्ट आर्टिस्ट बन के उभर के आएंगे। गाइस आज की ट्रेनिंग बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो लोग चाहते हैं कि प्रोफेशनल हाथ कैसे लगाएं, ये पूरा भरा हुआ हाथ कैसे लगाएं, तो गाइस आज की ट्रेनिंग में बने रहिए, जुड़े रहिए विदाउट स्किप किए। मैं आपको बता दूं ये ट्रेनिंग एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर आप ट्रेनिंग को अटेंड करते हो यूट्यूब पे या फेसबुक पे, गाइस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है, बस इस ट्रेनिंग को शेयर करो और आप तक ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी अच्छी पहुंचने वाली है। और गाइस शुरू होने वाला है गर्मियों का सीजन, तो गर्मियों के लिए गाइस मैं बहुत सारा ट्रेनिंग का भंडार लाया हूं आपके लिए, ताकि आप जो उसको देखोगे अटेंड करोगे आपको यकीनन बहुत मजा आएगा। तो गाइस ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, कैसे हैं? मैं राज गुप्ता, फाउंडर ऑफ राज मेहंदी चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी न्यू क्लास में। गाइस आज हम बनाएंगे फुल हैंड का डिजाइन, जो कि बहुत ही आसानी से आपको समझाऊंगा कि आप फुल हैंड का डिजाइन आसानी से कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको दो आउटलाइन खींचनी है ऊपर और नीचे की तरफ, और जो हमने दो आउटलाइन दी है इनको हम बाद में टच करेंगे, थोड़ा सा हमने गैप दिया है बहुत लाइट सा, ठीक है। इधर भी आपको दो आउटलाइन देनी है ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब इसके बाद अगेन हम एक आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे, ठीक है। बहुत ही गाइस आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि आप पूरा भरा हुआ हाथ कैसे लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर हम बनाएंगे स्मॉल सर्कल का डिजाइन, एक एक स्मॉल सर्कल को आराम आराम से बनाइए, तो इसको मैं फटाफट से बना लेता हूं। अब गाइस यहां से हम टच करेंगे, पुश करेंगे, ये बनाएंगे हम एक आंबी कुछ ऐसे, ठीक है। अब यहां पर हम इसको आउटलाइन देके कवर अप करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहां हम टच करेंगे, पुश करेंगे, ये ड्रॉप बनाएंगे, पहला ड्रॉप, दूसरा ड्रॉप एंड तीसरा ड्रॉप, क्लियर है। अब यहां पर हम गाइस आउटलाइन देंगे कुछ इस तरह से। ये बहुत ही इजी एलिमेंट है, कोई टफ एलिमेंट नहीं है, इनको आप आराम से बहुत प्यार से बना सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम बनाएंगे स्मॉल सर्कल का डिजाइन, और ये जो स्मॉल सर्कल्स हैं ये पूरा हम बनाएंगे एंड तक। अब गाइस यहां से हम यहां तक आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे और इस तरह से हम बनाएंगे ये बॉक्स का डिजाइन, ठीक है। फिर इधर से हम आउटलाइन लेंगे, टच करेंगे, पुश करेंगे, ये बनाएंगे हम एक आंबी, आंबी के बाद हम बनाएंगे आउटलाइन कुछ ऐसे, आउटलाइन के बाद गाइस यहां पर हम बनाएंगे आउटलाइन कुछ इस तरह से, ये बना दी हमने एक लीव, क्लियर है। तो गाइस ये हो गया हमारा ओपनिंग का डिजाइन, ठीक है। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, जो हमने ये बनाया था स्ट्रक्चर, इसको हम आउटलाइन से बोल्ड कर देंगे कुछ ऐसे, ठीक है, और इन दोनों को भी हम जॉइंट करके कर देंगे बोल्ड कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर आप चाहें तो चेक का डिजाइन डाल दीजिए, या फिर इसके अंदर आप मधुबनी डाल देना, ठीक है। अगर आप मधुबनी डालोगे तो बहुत लोग, हो सकता है कि उनको मधुबनी बनानी ना आती हो, तो इसीलिए गाइस इसके अंदर हम चेक बनाएंगे, ठीक है। चेक काफी इजी भी रहता है और कोई भी इसको आसानी से बना सकता है। तो गाइस फटाफट से पहले हम बनाएंगे स्मॉल सर्कल दोनों तरफ, इधर भी, और इन सभी के अंदर हम बना लेते हैं स्मॉल सर्कल। यहां पर हम ड्रॉ करेंगे आउटलाइन कुछ ऐसे, एक एक आउटलाइन को आपको फिनिशिंग से ड्रॉ करना है, और ध्यान रखें कि जो आप आउटलाइन दे रहे हैं वो सारी ही आउटलाइन आपकी ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि एक लाइन पतली होगी और एक लाइन मोटी हो गई, ठीक है, इस तरह से। अब यहां पर हम टच करेंगे, पुश करेंगे, ये आउटलाइन बनाएंगे कुछ ऐसे,
इधर भी एंड इधर भी, क्लियर। यहां पर हम बनाएंगे डॉट्स कुछ ऐसे। डॉट को आपको छोटा बनाना है, बहुत ही इजी डॉट्स हैं ये, ठीक है। और ध्यान रहे आपस में आपके डॉट्स मिक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके डॉट्स आपस में मिक्स होंगे तो आपका डिज़ाइन जो है वो ख़राब हो जाएगा, कुछ इस तरह से, लाइक दिस वन। इधर भी, इधर भी, इसी प्रकार से हम इसको पूरा फटाफट से फिल कर देते हैं। इसके अंदर हम इस तरह से बनाएंगे स्मॉल सर्कल, सभी के अंदर हम फटाफट से स्मॉल सर्कल बना लेते हैं। यहां पर हम बनाएंगे लेयर्स कुछ ऐसे। गाइस ये जो क्लास है ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, ठीक है, ये बेसिक रैंडम ट्रेनिंग नहीं है। अगर आप इसको सीख के बनाते हो तो बहुत ही अच्छा आप बना सकते हैं, तो उसको पूरा अच्छे समझिए। और अगर आपको बनाना नहीं आता है तो गाइस इस ट्रेनिंग को बार बार अटेंड करें, और हमारी और भी जो ट्रेनिंग्स हैं डे वन से क्लास वन क्लास टू उनको अटेंड करें, ठीक है। इस तरह से हम लिप को फिल करेंगे, और जो ये हम भी है इसके अंदर हम बनाएंगे राउंड सर्कल, इसके ऊपर हम बनाएंगे स्मॉल सर्कल, अगेन राउंड सर्कल कुछ इस तरह से, ठीक है। एक एक राउंड सर्कल को आपको अच्छे से देना है, तो इसको हम गाइस फटाफट से पूरा फिल कर लेते हैं। गाइस इस प्रकार से इसको हम बनाने के बाद इसके अंदर हम फिल करेंगे डॉट्स, ठीक है। जो बीच वाली आंबी है इसमें हम बनाएंगे डॉट्स कुछ ऐसे, और जो साइड वाले जो दो एलिमेंट्स हैं ये हम ऐसे रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा अलग लगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके नीचे हम बनाएंगे स्मॉल सर्कल, यहाँ पर हम बनाएंगे एक राउंड सर्कल कुछ इस तरह से, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई भी चीज़ टफ लग रही हो तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपको टफ लग रहा है, तो वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे कि उसको आप किस तरह से आराम से और अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। फिनिशिंग तभी आपके हाथ में आएगी जब आप उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रेगुलर करेंगे, ठीक है। इस तरह से क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम टच करेंगे, पुश करेंगे, ये बनाएंगे ड्रॉप कुछ ऐसे, ठीक है। एक एक ड्रॉप को आपको फिनिशिंग से देना है, ठीक है। आप चाहें तो दो कोन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा इजी रहे पैटर्न को बनाने में। एक कोन थोड़ी सी मोटी काटें और एक कोन को पतला रखें, मोटी इसलिए ताकि जो एलिमेंट मोटे मोटे हैं वो बन सकें, और पतली इसलिए जो बारीक आपकी फिलिंग है उसकी फिनिशिंग प्रॉपर आती रहे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम इसको इस तरह से स्ट्रक्चर देंगे कुछ इस तरह, क्लियर हो गया। अब इसके ऊपर हम बनाएंगे गाइस दो बार स्मॉल सर्कल, यहां पर हम टच करेंगे, पुश करेंगे, इसको हम इस तरह से एक आकार देंगे गोलाई में, पिकॉक का देंगे यहां पर हम, ठीक है। यहां पर हम टच करेंगे, पुश करेंगे, और ये ऊपर की तरफ आउटलाइन लेके जाएंगे कुछ ऐसे, क्लियर है। और यहाँ पर हम बनाएंगे इसकी चोंच, ये हमने बनाया पिकॉक, ये बना दी हमने पिकॉक की आँख, ठीक है। अब यहाँ पर हम टच करेंगे, पुश करेंगे, ये दी हमने आउटलाइन कुछ इस तरह से, ठीक है। अब जो ये वाला एरिया है इसको हम कैसे कवरअप करेंगे, इस तरह से ड्रॉप बना के, पहला बड़ा, छोटा, फिर छोटा। अब जो ये जगह बची है इसको हम इस तरह से कवरअप करेंगे, ठीक है, एक लीप मिनी लीप की शेप में। यहाँ पर आप इसको इस तरह से लेयर बना दो, क्लियर हो गया। अब इधर भी बना दो कुछ इस तरह से, ठीक है। अब पिकॉक को हम फिल कर लेते हैं, आउटलाइन देंगे अंदर की तरफ हम
इधर भी आउटलाइन, इधर भी आउटलाइन, इधर भी आउटलाइन, इधर भी आउटलाइन, ठीक है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे स्मॉल सर्कल कुछ इस तरह से, ठीक है। अब गाइस देखो, पिकॉक को अगर हाईलाइट करना है तो इसको थोड़ा सा आपको अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर राउंड सर्कल देंगे कुछ ऐसे, और अगर बाहर की नॉइस आ रही हो तो गाइस उसको इग्नोर करें, क्योंकि आज मैं अपने दूसरे स्टूडियो में हूँ तो बाहर की नॉइस आना स्वाभाविक है। इस तरह से हम इसको ये बॉक्स बनाएंगे कुछ ऐसे, जितनी प्यार से इसको बनाओगे उतना ही सुंदर देखने में लगेगा ये। यहाँ पर हम ये आउटलाइन का स्ट्रक्चर दिया, ठीक है, और ये मधुबनी की आउटलाइन दी हमने, ये लीफ बना दिया, ठीक है। और इसको जितना फिनिशिंग से बनाओगे उतना ही अच्छा लगेगा, ठीक है, आप मुझसे भी अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से क्लियर हो गया। अब गाइस जो ये बाकी का एरिया है इसको हम कर देंगे बोल्ड। बोल्ड करना शायद आपको आता होगा, जिनको नहीं आता है वो लोग सीख लें। सबसे पहले आउटलाइन को अच्छे से हम कवर अप करेंगे कुछ ऐसे, ठीक है, लाइक दिस वन, और इसको अच्छे से आराम से विदाउट आउटलाइन को डिस्टर्ब किए इसको हम पूरा बोल्ड करेंगे। तो गाइस फटाफट से हम पूरा ये बोल्ड कर लेते हैं, प्रकार से इसको हम पूरा फिल करेंगे। और यहाँ पर मैंने बनाए हैं दो बार स्मॉल सर्कल के डिज़ाइन कुछ इस तरह से, एक एक स्मॉल सर्कल हो चाहे आपकी फिलिंग हो या आपका स्ट्रक्चर, उसको बहुत प्यार से और बहुत ही अच्छे से इसको बनाना है, ठीक है। अब गाइस हमें करना क्या है, अब हम अगर चाहें तो इसको और भी टफ या और भी इसको ईजी बना सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव बनाने के लिए यहाँ पर हम बनाएंगे अगेन एक पिकॉक कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से लेंगे कुछ इस प्रकार से, क्लियर है। अब इसकी हम चोंच निकालेंगे अंदर की तरफ लाइक दिस वन, ठीक है, और यहाँ पर हम इसकी बनाएंगे आँख कुछ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे एक आउटलाइन कुछ इस तरह से, इसको हम कवर अप कर देंगे आउटलाइन से, इधर भी हम आउटलाइन देके कवर अप कर देंगे कुछ ऐसे, इधर भी गाइस इसको हम आउटलाइन से पूरा पूरा फिल कर देंगे, कवर अप कर देंगे, ठीक है ओवरऑल। अब यहाँ पर हम बनाएंगे आउटलाइन। आपको हम सिखा रहे हैं कि आप किसी भी पैटर्न को बहुत सुंदर बना सकते हैं और उसको अच्छे से कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर का हम स्ट्रक्चर देंगे कुछ ऐसे, ठीक है, इधर भी कुछ इसी तरह से, और जैसे मैंने इस पिकॉक के अंदर मधुबनी को फिल किया है इसी प्रकार से आप इधर भी मधुबनी को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका क्लाइंट कहेगी यहाँ पर थोड़ा सा गैप खाली है, जगह खाली है, तो आप उनके लिए इसको आप इस तरह से कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप बारीक फिलिंग वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। ये गाइस बहुत इजी तरीका है किसी पैटर्न को फिल करने का, ठीक है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे स्मॉल सर्कल कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसको बनाने के बाद यहाँ पर हम बनाएंगे राउंड सर्कल कुछ ऐसे। आप सोच रहे होंगे सर ने तो बोला कि बहुत इजी पैटर्न है लेकिन टफ दे दिया है। जिन लोगों को टफ लग रहा है गाइस वो लोग कमेंट करके बताइए, बहुत ही इजी तरीका है पिकॉक बनाने का, ठीक है। और मुझे लगता है कि एक बार अगर आपको ये आ गया तो आप कहीं भी कैसा भी पिकॉक बना सकते हैं, ठीक है। ये आप डॉट बनाइए, क्लियर है। अब यहाँ पर आप एक ड्रॉप बनाइए इस तरह से, पहला ड्रॉप, दूसरा ड्रॉप, तीसरा ड्रॉप, ठीक है, इधर भी एक ड्रॉप, इधर भी एक ड्रॉप, एंड इधर भी एक ड्रॉप, ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम बनाएंगे इस तरह से आउटलाइन देके कवर अप करेंगे, ठीक है।
और यहाँ पर हम बनाएंगे स्मॉल सर्कल का डिजाइन कुछ इस तरह से। आप आराम से फिल कर लेना, मैंने आपको एक रैंडम आइडिया दिया है कि आप स्मॉल सर्कल कैसे बना सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। क्लियर हो गया गाइस? अब फिंगर कैसे कवरअप करनी है, आउटलाइन देनी है इस तरह से। यहाँ पर आप आउटलाइन दें, इधर भी आउटलाइन दें, ठीक है। यहाँ पर आपको दो बार बनाने हैं स्मॉल सर्कल, दो बार हो या वन टाइम हो, यहाँ पर बनाइए स्मॉल सर्कल। यहाँ पर आपको बारीक फिलिंग से पूरा ही फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ बारीक फिलिंग करनी है, यहाँ बारीक फिलिंग करनी है, कौन सी करनी है, जो मैंने बारीक फिलिंग ये वाली की है ना, ये वाली दिख रहा है, यही बारीक फिलिंग आपको यहाँ करनी है और ये वाली बारीक फिलिंग आपको यहाँ करनी है, ठीक है। जैसे मैंने पिकॉक यहाँ बनाया है वैसे यहाँ भरना है, तो इसको मैं फटाफट से भर के आपको बताता हूँ। सो गाइस देख पा रहे हैं इसकी जो फिनिशिंग है, इसका जो लुक है वो कितना खतरनाक, कितना अच्छा लग रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, आपका टाइम बचाया है। जो मैंने यहाँ पर ये राउंड सर्कल दिए थे सेम गाइस मैंने यहाँ दिए हैं, और जो यहाँ पर दिए थे सेम मैंने एजिटिज यहाँ दिए हैं, ठीक है। और गाइस इसको मैंने सेम इसी तरह से फिल किया हुआ है, ठीक है। इसको आप बनाइए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए गाइस, इसको आप भी मुझसे भी अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है उसको बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैं एकदम स्ट्रेट आउटलाइन दूंगा जिगजैग वाली, ठीक है, कुछ ऐसे। एक एक लाइन्स को आपको फिनिशिंग से और फाइन तरीके से ड्रॉ करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपका पैटर्न खराब हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पर हम इसको इस तरह से टच करेंगे, पुश करेंगे। ये बनाया मैंने एक बॉक्स का डिज़ाइन। अब यहाँ पर मैंने एक लेयर दे दी, ये बना दी गाइस मैंने एक लीफ, ठीक है, हाफ लीफ। अब इधर क्या करना है, इसके अंदर हम इसको फिल करेंगे। यहाँ पर हम एकदम स्ट्रेट लाइन देंगे कुछ ऐसे, ठीक है, इस तरह से, इधर भी। और जो ये वाला पार्ट है इसको हम कर देंगे बोल्ड, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ बनाएंगे राउंड सर्कल आराम आराम से, विदाउट स्मॉल सर्कल ड्रॉ किए इसको हम डायरेक्ट बनाएंगे कुछ ऐसे। एक एक राउंड सर्कल को हमें बनाना है आराम से, ठीक है, कुछ इस तरह से, क्लियर हो गया। अब गाइस इधर हम इसको आउटलाइन से ड्रॉ करेंगे ऐसे, इधर भी आउटलाइन देंगे कुछ इस तरह से। थोड़ा सा आपको गैप मेंटेन करना है ताकि ये आपस में क्लोज ना रहे, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर हम इस तरह से आउटलाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ बनाएंगे राउंड सर्कल मधुबनी स्टाइल में। ये हमने लीफ दी है, बीच में लेयर दी है, ये हमने लीफ दी है, बीच में लेयर दी है, ये हमने लीफ दिए और बीच में लेयर, ठीक है। इधर भी हम इसी प्रकार से बनाएंगे कुछ ऐसे, इधर भी एंड इधर भी। अब गाइस यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम इसको इस तरह से बनाएंगे राउंड सर्कल। देखिए किसी भी पैटर्न को खूबसूरत बनाने के लिए राउंड सर्कल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यहाँ पर अगेन वन टाइम देंगे स्मॉल सर्कल, ठीक है। अब यहाँ हम टच करेंगे, पुश करेंगे, ये बनाएंगे हम ड्रॉप, ठीक है। ये ड्रॉप बनाया क्योंकि ड्रॉप के लिए हम दूसरी कोन यूज कर रहे हैं। अगेन हमने ड्रॉप दिया है, अगेन ड्रॉप दिया है एंड अगेन ड्रॉप दिया है, इधर भी एंड इधर भी, ठीक है। बीच में हम दे देंगे डॉट। अब हम यहाँ पर इस तरह से आउटलाइन देंगे, ठीक है। इधर भी हमने बराबर स्ट्रक्चर दिया है, बराबर स्पेस दिया, और इधर भी हमने बराबर ही स्पेस दिया है, ठीक है। अब गाइस इन दोनों फिंगर को हम करेंगे फटाफट से फिल। फिल कैसे होती है, आप इस तरह से बनाइए। अब सोचेंगे अब ये क्या है, ये गाइस होता है नेल का पार्ट, जैसे नेल है ना ये, मान लो बैक साइड का, अगर आप फ्रंट को करते हो फ्रंट साइड में, तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है। तो गाइस इसको आप
किसी प्रकार से बना सकते हैं, चाहे वो ये नेल्स का पार्ट फ्रंट, अब ये फ्रंट ले लो या बैक ले लो। अगर आप मान लीजिए फ्रंट लोगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, आपके पोर्वे इस तरह से भरे जाएंगे, ठीक है, लाइक दिस वन। और अगर आप बैक पे बनाओगे तो ये ऐसे बनेगा, क्लियर है। अब यहाँ करना क्या है, यहाँ पर आपको स्मॉल सर्कल देने हैं पहले तो कुछ इस तरह से, ठीक है। स्मॉल सर्कल देने के बाद यहाँ भी हम स्मॉल सर्कल देंगे कुछ ऐसे। अब यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन दूंगा कुछ इस तरह से। ध्यान रहेगा इस आपकी लाइन में जो स्पेस है, जो आपकी लाइंस हैं वो इक्वल होनी चाहिए, ज़्यादा कम भी नहीं हो, ज़्यादा भी ना हो, मतलब स्पेस, ठीक है, दोनों ही इक्वल होनी चाहिए, क्लियर है। अब यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन देंगे गाइस। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ट्रेनिंग और भी लेके आऊँ, इतने अच्छे अच्छे पैटर्न, प्रोफेशनल पैटर्न्स, तो गाइस इस ट्रेनिंग को ढेर सारा प्यार दें। जब इस ट्रेनिंग में 10,000 लाइक आएंगे, कितने, जब इस ट्रेनिंग में 10,000 लाइक आएंगे तो गाइस मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आगे भी आपके लिए मैं इसी प्रकार से बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल पैटर्न पूरे भरे हुए लाऊंगा। अगर गाइस लाइक कम आए तो मुझे लगेगा कि आपको ये वाकई में टफ लग रहा है, आप ये नहीं बना पा रहे हो, तो गाइस फिर मैं आपके लिए बहुत ईजी पैटर्न लेके आऊँगा, ठीक है। तो इस ट्रेनिंग को गाइस शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है, आपके ही काम आ रही है ट्रेनिंग, अगर आप इसको शेयर करोगे तो ये और भी लोगों के, अन्य लोगों के काम आएगी, ठीक है, तो उसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब गाइस इस तरह से हम ये बनाएंगे चेक, ठीक है, डॉट्स हमने बनाया चेक के अंदर, एक एक डॉट्स को आपको फिनिशिंग से और अच्छे से फिल करना है, क्लियर है। अब इधर क्या देना है उस बात को बहुत ध्यान समझिए, जो हमने यहाँ पर राउंड सर्कल दिए हैं ना, आप इनको इधर बनाइए ताकि इसका जो लुक है वो पूरा कवरअप लगे, ठीक है, और देखने में अच्छा भी लगे। तो गाइस इसको मैं फटाफट से बना लेता हूँ। सो गाइस देख पा रहे हैं इसका जो लुक है ओवरऑल कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा हो गाइस तो लाइक जरूर कर दें, अपनी राय कमेंट्स के माध्यम जरूर शेयर करें, और जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ये मेरा नहीं आपका अपना चैनल, इस पर ढेर सारा प्यार बनाएं ताकि इसी प्रकार से मैं बहुत ही अच्छी और वैल्यूबल ट्रेनिंग आपके लिए लेके आऊं और आपके काम आए। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द नई ट्रेनिंग में, नई क्लास में, आप सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच गाइस।